हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 के न्यू अपडेट 2.1H1 के बारे में जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट ने आप सभी के लिए कौन कौन से नए फीचर्स जो है 2.1H1 के अंदर इंट्रोड्यूस किए हैं। फ्रेंड्स, वाकई में फीचर्स तो ऐसे ऐसे माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस करे हैं जिन्हें जान के आप सभी एकदम हैरान हो जाएंगे, और यकीन मानिए फीचर्स जानने के बाद आप सभी सिर्फ एक ही बात बोलेंगे कि काश ये अपडेट जो है आज ही रोल आउट हो जाए और हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर ले। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो में आने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मिस्टर बॉट को सब्सक्राइब नहीं किया था, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को सही टाइम पर मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स पहले अपडेट के बारे में, जो कि फ्रेंड्स विंडोज ने अपने इस अपडेट के अंदर जो कि सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया है, विंडोज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम। जी हाँ फ्रेंड्स, अब माइक्रोसॉफ्ट जो है विंडोज आपका पहले से ज़्यादा और भी ज़्यादा एडवांस हो गया है, ठीक है, टाइम के साथ साथ और भी ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहा है। अब क्या होगा फ्रेंड्स, आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि इसके अंदर क्या है। आपके कंप्यूटर में कोई भी हार्डवेयर लगाए, ठीक है, कोई भी XYZ, चाहे ग्राफिक कार्ड लगाए, CPU लगाए, मदरबोर्ड लगाए, अगर कुछ में भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फ्रेंड्स ये सिस्टम जो है आपको नोटिफिकेशन बता देगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव क्रैश होने वाली है, ठीक है, और आपका कंप्यूटर जो है उसका जो स्मार्ट AI है आपको खुद बता देगा नोटिफिकेशन के थ्रू कि आप अपनी हार्ड ड्राइव का बैकअप ले लीजिए, नहीं तो भैया आपका डेटा जो है टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पे आपके पास टाइम रहेगा और आप अपने विंडोज़ की हार्ड ड्राइव का SSD का बैकअप जो है टाइम से ले सकते हैं, जिससे कि आपका डेटा भी बेकार नहीं जाएगा और टाइम से आप बैकअप ले लेंगे, जो कि फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अपडेट जो है आया है जो कि मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। आप सभी के लिए भी अपडेट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिससे कि जो है आप समय के रहते रहते अपने डेटा को सही टाइम पे सेव कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के सेकंड अपडेट के बारे में। आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि पहले हम अपने डिस्क मैनेजमेंट में जब जाते थे तो माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करते थे, मैनेजमेंट में जाते थे, तब जाके डिस्क मैनेजमेंट में जाते थे। लेकिन इस अपडेट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने डिस्क मैनेजमेंट टूल को जो है डायरेक्टली शिफ्ट कर दिया है विंडोज़ सेटिंग्स के अंदर। आपको वहाँ पे तो ऑप्शन देखने को मिलेगा ही इसका, लेकिन अब सेटिंग्स के अंदर भी आपको विंडोज़ 10 की सेटिंग्स के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि पहले नहीं था। अब आपको जो है ये ऑप्शन भी बहुत जल्दी ही इस अपडेट के अंदर देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं तीसरे अपडेट के बारे में। तीसरे अपडेट में फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे फिक्सेस किए हैं WSL के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी से कुछ साल पहले माइक्रोसॉफ्ट ने WSL को इंट्रोड्यूस किया था, विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स को, ठीक है। अब आप जानते हैं कि WSL 1 आया, फिर 2 आया, बहुत सारे फिक्सेस किए हैं उसके अंदर। अब जो है आपको W2 का एडवांस वर्जन जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी इसके में वर्जन कौन सा आएगा इस बात की पुष्टि तो अभी तक नहीं किया माइक्रोसॉफ्ट ने, लेकिन हाँ बहुत सारे फिक्सेस जो हैं WSL के अंदर किए गए हैं इस अपडेट के अंदर। आपको मैं एग्जांपल से एक बात को समझा रहा हूँ। जैसे कि विंडोज़ WSL में हम क्या करते थे, फॉर एग्जांपल के मैंने काली लिनक्स इंस्टॉल किया, ठीक है, या किसी भी वर्जन को मैंने लिनक्स का इंस्टॉल किया, तो उसमें हमें नेटवर्क मैनेजर में प्रॉब्लम आती थी। आप लैन से कनेक्शन चलाते थे तो फ्रेंड्स इंटरनेट एक्सेस करते थे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने वाईफाई वगैरह यूज़ किया है तो फ्रेंड्स वहाँ पे शो नहीं करता था। विंडोज़ 10 के अंदर शो करता है, लेकिन ऊपर में जो अपर लेयर पे जो हम WSL का यूज़ करते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे शो नहीं करता है। तो फ्रेंड्स अब उसके अंदर भी शो करेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फिक्सेस हैं, बहुत सारे इस WSL के अंदर, जो कि मैं अगर आपको बताने लग गया ना फ्रेंड्स तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी और कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपको बहुत सारे अपडेट जो है WSL के अंदर फिक्स कर दिए हैं माइक्रोसॉफ्ट ने इस अपडेट में 2.1H1 के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप विंडोज़ 10 मशीन पे लिनक्स वगैरह भी यूज़ करना चाहते हैं, डायरेक्टली स्टोर से डाउनलोड कीजिए और उसको यूज़ कीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं मिलेगी देखने को। अब बात करते हैं इसके चौथे अपडेट के बारे में, जिसे जानने के बाद फ्रेंड्स आप सभी का दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये अपडेट किया है फाइल एक्सप्लोरर के अंदर। जी हाँ फ्रेंड्स, अपडेट क्या है, अपडेट ये है, मान लीजिए आपने नॉर्मली माय कंप्यूटर पे क्लिक किया, फाइल एक्सप्लोरर आ गया आपके सामने, वहाँ पे ड्राइव्स, ठीक है, और स्पेशल डायरेक्टरी वाले फोल्डर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अब अगर आपने विंडोज़ 10 स्टोर से लिनक्स का कोई भी वर्जन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, यूबंटो, काली लिनक्स, यानी लिनक्स का कोई भी फ्लेवर अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तब आपको फाइल एक्सप्लोरर में उसको एक्सेस करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि स्पेशल डायरेक्टरीज होती है, माय डॉक्यूमेंट्स, माय, ठीक है, माय पिक्चर्स करके जितने ये फोल्डर्स आते हैं आप वहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं WSL के थ्रू, जो कि फ्रेंड्स बहुत अच्छी बात है। और अभी तक हमें ये प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती थी, जो कि अब इस अपडेट के बाद ये प्रॉब्लम आपको फेस करने को
नहीं मिलेगी, जो कि फ्रेंड्स पर्सनली मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ये अपडेट भी। पांचवा अपडेट भी फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट है। अब आपको जो है DNS सेटिंग्स के अंदर आप जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, अब आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे पहले में आपको दिखेगा अनक्रिप्टेड ओनली, सेकंड नंबर पे आपको दिखेगा इनक्रिप्टेड ओनली DNS ओवर HTTPS, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इनक्रिप्टेड प्रिफर्ड या अनइनक्रिप्टेड अलाउ, ठीक है। ऐसे आपको ये बहुत सारे ऑप्शंस जो है देखने को मिलेंगे। मतलब ये कि अब इंटरनेट सिक्योरिटी के मामले में आपका विंडोज़ जो है पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब जो है फ्रेंड्स मान लीजिए इन सेटिंग्स को अगर आप इंटरप्रेट कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये कि अगर बीच से कोई हैकर चाहे आपके कंप्यूटर से कोई भी पर्सनल डिटेल चुराना या आपके यूजर नेम पासवर्ड चुराना, तो भैया आपका विंडोज़ कंप्यूटर उसको एक ही रिप्लाई देगा, तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है। मतलब ये वो हैकर को अगर कोई भी डेटा अगर मिलता है तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में मिलता है। हालांकि जो है जो डेटा पैकेट सेंड होते हैं वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं, लेकिन एक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेयर दे दी गई है सिक्योरिटी की, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है, जिससे कि हम पहले के मुकाबले एक अच्छे तरीके से अपने कंप्यूटर को यूज़ कर पाएंगे थोड़ा सेफ उसमें। हालांकि फ्रेंड्स इस चीज़ की गारंटी नहीं होती है क्योंकि कोई ना कोई जो है तोड़ आ जाते हैं, लेकिन इस बारे में हम बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि अब आपको एक नई लेयर जो है और देखने को मिलेगी सिक्योरिटी की, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है, और आप जो है पहले के मुकाबले एक सिक्योरली अपने कंप्यूटर को अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे। छठा अपडेट भी फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट है। अपडेट ये है फ्रेंड्स कि माइक्रोसॉफ्ट ने इस अपडेट के अंदर ग्राफिक सेटिंग्स को पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा एनहांस कर दिया है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिया है कि अब जो है अगर आप अपने कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड्स वगैरह का यूज़ करते हैं, मल्टीपल ग्राफिक कार्ड्स का, तो फ्रेंड्स अब आपको परफॉर्मेंस और उसका जो लेवल है एकदम अलग ही लेवल का जो है आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके एल्गोरिथम में बहुत सारे चेंजेस किया है ग्राफिक सेटिंग्स के अंदर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ये कहना है कि पहले के मुकाबले आपको जो है अगर ओल्ड डिवाइस भी यूज़ कर रहे हैं तब भी आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है पहले के मुकाबले जो है देखने को मिलेगी ग्राफिक सेटिंग्स के अंदर। अब आपको इसके अंदर मल्टीपल GPUs का भी सपोर्ट जो है देखने को मिलेगा। इसके बाद जो है फ्रेंड्स नेक्स्ट अपडेट यानी सेवन्थ अपडेट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप टास्क मैनेजर में किसी भी एप्लीकेशन को रन करते हैं तो वहाँ पर शो हो जाती है, तो वहाँ पर हमें पहले जो है उसका आर्किटेक्चर शो नहीं होता था कि वो 32 बिट की है या 64 बिट की है, x86 या x64। तो अब जो है अब आपको यहाँ पर आर्किटेक्चर का अलग से पैनल देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी इस टाइम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि आपके जिस एप्लीकेशन है वो कौन से बिट की है, 32 बिट की है या 64 बिट की है। और लास्ट अपडेट जो है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा अपडेट है, जो कि आप सभी गारंटीड तौर पर इस अपडेट जानने के बाद आप खुश हो जाएंगे, इसलिए इस अपडेट को मैंने जो है लास्ट में रखा सरप्राइज़ के तौर पे। अपडेट ये है फ्रेंड्स कि अब आपको विंडोज़ 10 के अंदर एंड्रॉयड एप्लीकेशंस का सपोर्ट देखने को मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप नॉर्मली किसी भी एप्लीकेशन को अपने कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, सेम ऐसी आप एंड्रॉयड की APK एप्लीकेशंस को आप अपने विंडोज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। जी हाँ फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट जो है जैसे कि आप सभी जानते हैं WSL को इंट्रोड्यूस किया, और लिनक्स जो है फादर है किसका, एंड्रॉयड का। जब लिनक्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है तो जाहिर सी बात है कि बेटा तो आएगा ही। अब आपको जो है एंड्रॉयड का सपोर्ट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, आप किसी भी एप्लीकेशन को डायरेक्टली जो है रन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ जो है इश्यूज़ वगैरह ऐसे कुछ शायद सुनने में आ रहे हैं, यानी पक्की बात है, कन्फर्म बात है, ये इस बारे में कह नहीं सकता कि गूगल जो है शायद अपनी कुछ सर्विसेज जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ शायद शेयर नहीं करेगा, और मे भी शायद कर दे, ठीक है, इस बारे में नहीं पता। लेकिन हाँ, आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन का सपोर्ट जो है ज़रूर देखने को मिल जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद जो है फ्रेंड्स छोटे छोटे बहुत सारे अपडेट किए हैं माइक्रोसॉफ्ट ने, जैसे कि इमोजी पिकर को रीडिज़ाइन कर दिया है, अब आपको विंडोज़ सर्च के अंदर डार्क मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप डार्क मोड को इनेबल कर देते हैं कंप्यूटर में और उसके बाद स्टार्ट सर्च में कुछ टाइप करते हैं तो वहाँ पर वाइट वाइट हो जाता है, ठीक है, लाइट मोड में आ जाता है। अब वहाँ पर वो डार्क मोड में अगर आप हैं तो डार्क मोड में ही वो रहेगा, ठीक है, ऐसे कुछ इंप्रूवमेंट्स है। और भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स है, जैसे कि कोर्टाना के अंदर बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किए हैं माइक्रोसॉफ्ट ने। अब आपको जो है विंडोज़ थीम की जो सेटिंग्स का आइकन है वो भी चेंज हो जाएगा इस अपडेट के अंदर। ऐसे बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स, छोटे छोटे माइनर इंप्रूवमेंट्स बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन जो मेजर अपडेट थे वो सभी मैंने आप सभी को बता दिए हैं। इन सभी अपडेट्स में से आप सभी को अपडेट कौन सा सबसे बेहतर लगा, कौन सा अपडेट, वो मेरे को नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप सभी मेरे को अभी तक जो है इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी फॉलो जरूर कर लीजिए। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।